करोगा साहब? चिकन टिक्का, मच्छी फ्राई, मच्छी रोगन जोश, अंडे की भुर्जी और ये रही आपकी बियर। ये मैंने सब अपने हाथों से बनाया है, चखिए ना। वाह चमको वाह, तू रोज रोज मेरे को ऐसा ही खाना खिलाते रहे और ये मेरा वादा है कि मैं तेरे ढाबे पे तेरे हाथ का खाना खाने हर रोज आऊंगा। उस हनुमान प्रसाद के बच्चे ने तो मेरे को वेजिटेरियन और ब्रह्मचारी बना के मेरे को डायरिया दे दिया है, लेकिन आज मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। आज मैं सब कुछ खाऊंगा, लेकिन पहले क्या खाऊं? ये खाऊं या फिर दो ऑप्शन और भी हैं, यो खाएगा या यो खाएगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो? तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा था, हैं? मांस मच्छी हाथ भी नहीं लगाता, प्योर वेजिटेरियन, प्रकांड पंडित, दो पैग, दो एग, दो लेग से दूर रहता है ना तू? तो इन सब की क्या आरती उतार रहा है? नहीं नहीं, वो ये चुप। मन ने तो तेरे पे पहले से ही शक था, जो तू दिखे है ना वो तू है नहीं, और जो तू है वो दिखे कोई ना। तू एक नंबर का आदमखोर लालची असली आदमी है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना कि आई एम ब्रह्मचारी, सो एवरीडे आई टेस्टिंग, वो टेस्टिंग विल पावरिंग। सबको टेल आई एम वेजिटेरियन। हां ये तो मटन मच्छी चिकन कुछ देखते भी नहीं है। हां और शराब छूते तक नहीं है, और तने छोड़ते तक नहीं है, तेरे मतलब छेड़ते तक नहीं है। देखिए आप गलत समझ रही हैं। I am vegetarian, so I have to vegetarian to vegetarian, I have to testing, testing will powering of brahmachari। चल चल चल, बहुत हो गई अभी तेरी टेस्टिंग। तेरा सारा टेस्ट अब मैं लूंगी। चल खड़ा हो और गाड़ी स्टार्ट कर, चल थाने। देखिए सड़कों में काफी गड्ढे हैं, तो अगर ब्रेक लगाते वक्त आप शेक हो गई तो मेरा तो टेक लेंगी ना। अरे उसकी चिंता तू ना कर, गाड़ी मैं चलाऊंगी, और जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना तो ना तो कोई शेक होता है और ना ही कोई टेक लगाता है। अभी तू समझा कि तेरा बैंड और तू सुन ले ओए चमको फटाकड़ी, जो यो साहब तेरे ढाबे पे दोबारा दिख गया ना तो तेरे गले में टायर डाल के तन्ने अंदर कर दूंगी मैं, समझी? चल निकल, ये ढाबा पीछे बैठ, पीछे डंडा पकड़। चलिए जी। अरे हनुमान प्रसाद पांडे, अरे मक्खन सिंह, देख मैं तेरे लिए केले के आई हूँ, यो देख आलू के पराठे। अरे मुंह के बना रहा है, बिना खा के खजूर जैसी शक्ल बना रखी, और ये गाल तो देख एकदम पापड़ की तरह पिचक गए, हाथ में ही ना आते। अरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखता क्या तू? खाना कहाँ होता है, सिर्फ पीना ही होता है। मेरा मतलब है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ ना, वेजिटेरियन, तो बाहर होटलों में कैसे खाना खा सकता हूँ? मुझे क्या पता कि कौन क्या खाना बनाता है किन हाथों से, तो सिर्फ पीने से गुजारा करता हूँ। पानी। हाय मेरे लाल, मन ने तो तेरी हालत पे बड़ा तरस आवे, पर तू टेंशन ना ले। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे क्वार्टर पे आके तेरे लिए हलवा पूरी। नहीं नहीं, आपको मेरे क्वार्टर पे आने की क्या जरूरत है, वहाँ पे तो पहले से खाली क्वार्टर पड़े हुए हैं। मेरा मतलब है कि देखिए जहाँ पे मैं रहता ना पुलिस वालों की कॉलोनी में, वहाँ पे मेरे क्वार्टर के साथ साथ काफी खाली क्वार्टर्स हैं, तो अगर आप रात को आएंगी तो लोगों को अजीब लगेगा ना एक लड़की मेरे घर आ रही है। हाय मक्खन सिंह, तने तो मेरा दिल जीत लिया, तने कितना ख्याल है मेरी इज्जत का, वाह। देख तने मेरा इतना ख्याल है ना, अब मैं भी तेरे बारे में कुछ तो ख्याल करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि तू अपना ये ब्रह्मचारी वंचारी सब छोड़ दे, तू शादी कर ले, तेरे खाने पीने की टेंशन तेरी घरवाली दूर कर देगी। घरवाली की टेंशन कौन दूर करेगा? मेरा मतलब है मैं सोच रहा हूँ कि ये घरवाली के चक्कर में नहीं पड़ता और एक कुक रख लेता हूँ, एक जवान मर्द। मर्द? हाँ, जो मेरे सोने पीने और खाने की सारी टेंशन खुद पेंशन की तरह ले ले। मर्द? हाँ, जो सुबह उठकर सिर्फ मुझे देखे, रात को सोने से पहले सिर्फ मुझे देखे। मैं बाई नहीं रखूंगा, मैं ब्रह्मचारी हूँ ना। ब्रह्मचारी हूँ? अरे ब्रह्मचारी ना है तू, तू तो दुराचारी है। तू तो मरने कुछ और ही लागे, तेरी तह तक जाना पड़ेगा, मर्द से बीवी वाले काम कराएगा, घोर कलयुग। अरे गुलगुले, अबे यार ये मुसीबत फिर गले पड़ गई, अबे कहाँ फंसा दिया हनुमान प्रसाद पांडे। मैडम मिलना था तो मिल तो लिया,
अब के गले लगेगा। नहीं नहीं मतलब वैसे नहीं है वो, मतलब मेरा कुक मेरी बीवी के साथ भाग गया है। तो एक बात बता मन्ने। जी। ये जो थारा कुक था तेरे सारे काम करता था। जी नहीं मतलब ये है कि तेरे बर्तन भी धोता था, तेरे खाने पीने का, कपड़े धोने का, सोने होने का सब काम तेरा कुक ही संभालता था। जी ना जब तू ऐसा कुक रखेगा तो तेरी बीवी या तो उसने भगा देगी या उसके साथ भाग जाएगी। जी चले दूसरी ढूंढ ले। मैडम कैसी बातें कर रही है आप, प्लीज मेरा मेरा FIR तो लिखिए ना प्लीज। यानी मानेगा नहीं तू, अपनी मट्टी पलीत करवा के ही मानेगा है? चुप, देख उधर साइड में एक रसगुल्ले जैसा अवलदार बैठा होगा। गुलगुले नाम है, क्या नाम है? गुलगुले। हाँ उससे लिखवा ले अपनी FIR। जी बोले मुंह खोलो। जी मतलब मैं कल सुबह जब जगा तो मैंने देखा कि मेरा कुक घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कहीं बाहर वार गया होगा बाजार बाजार में आ जाएगा। आज सुबह फिर जगा तो फिर देखा कि मेरा कुक नहीं है, तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी बीवी भी दो दिन से घर पर नहीं है। ये आपने दो दिन के बाद रियलाइज किया? हाँ क्योंकि मेरी बीवी कुक के साथ भाग गई ना साहब। नहीं अब इनका क्या होगा, इनकी बीवी कैसे मिलेगी? कुकी कुकी तुम रो मत, हम इनकी रिपोर्ट लिखेंगे। नाम बोलो। संजय सरोज। सरोज कौन है संजय? नहीं मतलब संजय भी मैं ही हूँ और सरोज भी मैं ही हूँ। मतलब 2-in-1। इसमें नहीं करने की क्या जरूरत है कुकी, अपने टाइम पर याद करा करो यार। गुमशुदा का नाम बताइए। जी बॉबी। उम्र? 30-35। हुलिया बताइए। जी हैंडसम डैशिंग गबरू जवानी। गोभी ये लड़की भी हैंडसम होती है क्या? हाँ हाँ किसी की बीबी हैंडसम भी हो सकती है, कोई बात नहीं। हाइट क्या है? 6'2". तो सुष्मिता सेन से भी लंबी है। वेट? 90 kg। यार बिल्कुल है, 90 को लोग की बीवी भाग कैसे सकती है? यार अपना काम है रिपोर्ट लिखना, हम रिपोर्ट लिखते हैं। आप बाल कैसे थे? बाल? बाल तो थे ही नहीं। मतलब सर पे एक बाल भी नहीं था? नहीं मतलब जब लास्ट देखा था तो 2-3 दिन की ऐसी हल्की हल्की दाढ़ी थी। मतलब कुक का नाम बॉबी है। जी यार गुलगुले ये लड़कों के नाम भी बॉबी होते हैं? हाँ नहीं नहीं वो हो सकता है, लड़के का नाम बॉबी तो हो सकता है, उसके पिता का नाम भी तो बॉबी है। लेकिन जब बीवी भागी है तो आप हमें कुक का हुलिया बता क्यों रहे हैं? साहब मैं बीवी को ढूंढना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कुक को ढूंढना चाहता हूँ। बात खत्म कर लूँ, कर लूँ बात खत्म, कर लूँ। आपको बीवी नहीं चाहिए, आपको कुक चाहिए। नहीं साहब क्या कुक था, क्या कुक था वो, मेरा हर तरह से ख्याल रखता था साहब, क्या खाना बनाता था, क्या मुगलाई क्या चाइनीज। अरे मुगलाई से याद आया साहब, उसका चिकन हैदराबादी की अगर आप खुशबू भी लेने तो आपके मुंह से लार टपकने लगे। और वो साहब क्या कहते हैं उसको, वो चिकन तंदूरी ऐसे बटर में डाल के जो बनाता था, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था साहब, अब इतना अच्छा कुक हो तो बीवी की क्या जरूरत है। साहब प्लीज प्लीज आप मेरे कुक को ढूंढिए, जो मेरे कुक को ढूंढेगा मैं उसे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, और साथ में बीवी को नहीं ढूंढेगा ना तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम दूंगा। फोटो? फोटो है उसकी? जी जी है ना, ये देखिए। हाय ये तो बचपन की है, इलाज करा देंगे। नहीं मतलब ये मेरी बीवी की फोटो है, उसे नहीं ढूंढना है, मेरी कुक की फोटो नहीं है उसे ढूंढना है। अच्छा ठीक है यार आप ढूंढ देंगे, आप एक काम कीजिए आप अपना नाम पता यहाँ पर छोड़कर जाइए, जैसे ही उसे ढूंढ लेंगे आपको भी ढूंढ लेंगे। जी मैम हां बस थैंक यू, ठीक है ढूंढ लेंगे। नमस्ते यार, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है यार, क्या कुक को नहीं ढूंढना, किसी कुक को हमारे पास फालतू टाइम है क्या, आपको नहीं ढूंढना है सब। ओए गुलगुले मुझे वो कुक चाहिए समझे, मुझे वो कुक चाहिए जिंदा या कुक्ड।